अब खबरें स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, मेरे साथ है पिंकी खंडेलवार। आज बाबा साहेब अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर तमाम राजनीतिक दल बाबा साहेब को नमन कर रहे हैं। एक ओर संसद भवन में राष्ट्रपति और पीएम मोदी के साथ कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो लखनऊ में सीएम योगी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। अगली खबर, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने धर्मांतरण कर लिया है। अब वो मुस्लिम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं कौन सा धर्म अपनाऊं वो मेरी मर्जी है। वसीम रिजवी ने सनातन धर्म को दुनिया का सबसे पहला धर्म बताया और कहा हम सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद अब भाजपा उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर विजय संकल्प रैली निकालेगी। इसकी तैयारी भाजपा ने तेज कर दी है। रैली की शुरुआत देहरादून के प्रदेश कार्यालय से की जाएगी, जहां पार्टी के सभी पदाधिकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल रहेंगे, इस रैली की शुरुआत करेंगे। रैली को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर भाजपा तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है, जिसके तहत कई तरह के कार्यक्रम उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे।